सीएडी को फोन करता हूँ। नहीं नहीं, कहीं इन लोगों को पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे। सीआईडी को फोन करना ही पड़ेगा, वरना ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो मिस्टर हेमंत, कल शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच कहां पे थे आप? 7 से 10 के बीच? अरे अंकल, मेरे दोस्त की जन्मदिन की पार्टी थी, उसी में गया था। ओ, पार्टी में? और ये दोस्त कौन सा था, क्या नाम है उसका? जी देवेंद्र। देवेंद्र, देवेंद्र है इसमें? देवेंद्र, देवेंद्र, यस देवेंद्र। ये पार्टी कहाँ पर थी? सर उसी के घर में, वैशाली नगर में। वैशाली नगर, वैशाली नगर। जरा देवेंद्र को फोन लगाइए। क्यों सर? अरे कल उसका बर्थडे था ना, तो हम लोग भी उसे हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, क्या नुकसान है? बर्थडे तो कल था ना सर। तो क्या हुआ, हम लोग भी थोड़ा डांस कर लेंगे। हाँ एक दिन लेट ही सही। लगाइए लगाइए। क्या हुआ, लगा फोन? वो सर मैं, ठीक है या लो, मैं लगाता हूँ। और टाइम लेते हो देवेंद्र। ये क्या, तुम्हारे फोन बुक में देवेंद्र नाम का कोई आदमी है ही नहीं? नहीं, वही तो न जाने कैसे डिलीट हो गया। कोई बात नहीं हेमंत जी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गड़बड़ हो जाती है ना। वैसे आप पार्टी में गए तब फोन तो साथ में लेकर ही गए होंगे। हाँ सर, बिना फोन के तो मैं कहीं भी नहीं जाता। वही तो, फिर भी ये मोबाइल कंपनी वाले कह रहे हैं कि कल शाम को 7 और 10 बजे के बीच आपका फोन वसंत नगर इलाके में था। वसंत नगर? हाँ वसंत नगर, 22 किलोमीटर दूर है बसंत नगर वैशाली नगर से, जहां पे बर्थडे पार्टी चल रही थी। पार्टी से 22 किलोमीटर दूर तुम्हारा फोन कैसे पहुंच गया? पता नहीं सर, टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम। सीसीटीवी कैमरा का नाम सुना है? वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। अच्छा हेमंत जी, बसंत नगर के मोड़ पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना, उसमें कल रात को 8:30 बजे आपकी फोटो छपी है। मेरी फोटो? हाँ आपकी फोटो। क्यों कहते वहां पे? मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं हेमंत जी, कोई बात नहीं, हम याद दिला देंगे आपको। आप बसंत नगर इसलिए गए थे
क्योंकि वहां पर आपकी सेक्रेटरी मोनिका का घर है। लेकिन मोनिका तो मर चुकी है, मैं वहां क्यों जाऊंगा? क्योंकि मोनिका को तुमने मारा था। नहीं, और तुम वहां सबूत चोरी करने के लिए गए थे, वो सबूत जो मोनिका को मिला था तुम्हारे खिलाफ करप्शन का, समझे? वो चाकू कहाँ है जिससे तुमने मोनिका का खून किया था? पोल खुल गई तो ड्रामा कर रहा है सर। हेमंत संभाल के। हेमंत सर, इसकी तबीयत तो वाकई खराब हो गई। ले जाओ इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। संभाल के। ये अचानक इसे क्या हो गया? सर केस तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया था, ये अचानक तबीयत कैसे खराब हो गई? हाँ इसे भी प्रद्युमन है। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। हेलो कौन बोल रहा है? सर मैं डैनी बात कर रहा हूँ सर। सर कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं सर। सर आप जल्दी आ जाइए सर। डैनी बताओ कहाँ से बात कर रहे हो, क्या हुआ है बताओ जल्दी। हेलो क्या सर, किसका फोन था? कोई डैनी नाम का आदमी था, मदद मांग रहा था। नंबर है 11923641। देखो एड्रेस क्या है उसका, कोई इमरजेंसी है। दरवाजा तोड़ दो। डैनी अभिषेक लाइट ऑन करो। क्या हुआ? नहीं सर, लगता है किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया। चीखने चिल्लाने की आवाज ना आए, मुंह पे भी टेप लगा दिया है। बहुत मारा पीटा है बेचारे को। कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा लगता है। अभिजीत काम करो, तुम जरा चेक करो, देखो और कुछ मिलता है क्या। हैं? निखिल इस तरफ जाओ, रेडी टेप निकालो इसके। Thank you.
सर खूनी तक पहुंचेंगे कैसे? ना तो हमारे पास लाश है और ना ही कोई सबूत। सबकी धज्जियां उड़ चुकी है। रेडी, आज तक कोई भी गुनेगार हमारे हाथों से बचा नहीं है, समझे? साणुके को बुला लो यहां पर, कुछ ना कुछ तो जरूर ढूंढ के निकालेगा वो इस राख में से। और ये डैनी, इस डैनी के बारे में अच्छी तरह से पूछताछ करो, देखो क्या क्या करता था, कहां कहां जाता था और किस किस से मिलता था। इस बेचारे को किसी लकड़ी की चीज से बड़ी बेरहमी से मारा गया। लकड़ी की चीज? किस तरीके की लकड़ी है, कुछ पता चला? मैंने टेस्ट किया है, ये एक कंप्रेस्ड वुड है। ऐसी लकड़ी जिसका इस्तेमाल क्रिकेट के बैट या हॉकी की स्टिक बनाने में काम आता है। ओह, इसका मतलब डैनी को क्रिकेट के बैट से मारा गया है। एक बात और अभिजीत, ये बॉम्ब भी कोई सीधा साधा बॉम्ब नहीं था। अच्छा, किस चीज से बनाया गया ये बॉम्ब? अमोनियम गैट्रेट, उसमें बेंजोडियम ऑयल और ट्रीनियम एश को मिला करके ये खतरनाक बॉम्ब बनाया गया। अमोनियम गैट्रेट और बेंजोडियम ऑयल, काफी सोच साझ के बनाया गया ये बॉम्ब। बहुत ही खतरनाक बॉम्ब है और इस बॉम्ब को एक बीमारी भी है। वो क्या? वो ये कि इस बॉम्ब को लेकर के ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं किया जा सकता। क्यों सर? वो इसलिए फ्रेडी कि अगर इसे लेकर के ज्यादा दूर तक जाएंगे तो ट्रेवल की वजह से मूवमेंट होगा, बॉम्ब हिलेगा तो फट जाएगा। इसका मतलब वो बॉम्ब डैनी के घर के आसपास ही बनाया गया होगा। सर अगर वो लोग डैनी का खून पहले ही कर चुके थे तो हम उन्हें बॉम्ब रखने की जरूरत क्या थी? उन्हें गलतफहमी होगी कि ऐसा करके वो सारे सबूत मिटा देंगे और हम लोगों से बच जाएंगे, और वो ये नहीं जानते कि CID रेगिस्तान में से भी सुई ढूंढ सकती है। सर ये रोहन है, डैनी जिस घर में रहता था वो इसका है। डैनी तुम्हारे घर में रहता था? क्यों, भाड़े भी दिया था उसे? नहीं सर, डैनी बचपन से मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था और इस शहर में उसके पास रहने का कोई ठिकाना भी नहीं था, तो मैंने उसे अपने साथ रख लिया। जब ये सब हुआ तो तुम कहाँ थे? 2-3 दिन से मैं बाहर था, आज सुबह ही मैं घर लौटा। अच्छा, डैनी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? डैनी की दुश्मनी? सर डैनी तो बहुत शरीफ और मेहनती लड़का था, उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? कोई तो दुश्मन था डैनी का, कोई ऐसा दुश्मन जिसने डैनी को बॉम्ब से उड़ा दिया। मैं खुद भी हैरान हूं सर, ना जाने डैनी कौन से चक्कर में फंस गया था। फंस गया था? क्या मतलब? पता नहीं सर, वो कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रहा था और तो उसे कॉलेज से भी सस्पेंड कर दिया गया था। सस्पेंड कर दिया गया था, किस लिए? ये तो उसने मुझे भी नहीं बताया सर। कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। रेडी? चलो। अभिजीत एक काम करो, सचिन और निखिल को डैनी के कॉलेज में भेज दो और उनसे कहो कि वो पता लगाए किस वजह से डैनी कॉलेज से सस्पेंड किया गया था। हाँ। सर, सर हेमंत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। ये रहा वो चाकू जिससे मोनिका का खून हुआ था, इस पे हेमंत की उंगलियों के निशान भी है। वेरी गुड, चलो मोनिका का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये डैनी का दुश्मन कौन है? है कौन ये दुश्मन जिसने डैनी को बॉम्ब से उड़ा दिया? सर इस मोहल्ले में अब बस यही एक आखिरी बिल्डिंग बची है, और किसी जगह तो बॉम्ब बनाने का सामान मिला नहीं। बॉम्ब बना तो यही गई है। किससे मिलने हैं आपको? हम लोग CID से। CID यहाँ? आप ये बताओ कि
पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे कुछ नए लोग आए रहने के लिए। साहब पिछले 6 महीने में तो यहाँ कोई भी फ्लैट नहीं बिका है। फ्लैट भले ही बिका ना हो पर किराए पे तो चढ़ा होगा ना, कोई नया किराएदार आया है? किराएदार? हाँ हाँ साहब, पिछले हफ्ते ही 2 नए किराएदार आए। कौन कौन है? साहब 504 में रितेश साहब और 108 में आशीष साहब आए। रितेश और आशीष, इन दोनों का चाल चलन कैसा? चाल चलन बोले तो साहब, मतलब ये लोग यहाँ कितने बजे आते हैं जाते हैं, अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ है, बातचीत में ये लोग कैसे हैं? साहब रितेश साहब तो बहुत अच्छे हैं, अपनी माँ के साथ रहते हैं और सही वक्त पर आते जाते हैं। लेकिन आशीष साहब कुछ गड़बड़ है। हाँ साहब पहले दिन से ही गड़बड़ है। मतलब ये साहब की हमारी सोसाइटी में बैचलर को फ्लैट तो मिलता नहीं है, तो आशीष साहब ने एग्रीमेंट में अपनी माँ का फोटो ही चिपका दिया। पर उनकी माँ उनके साथ नहीं रहती है? नहीं साहब, उनकी माँ तो उनके साथ नहीं रहती है, लेकिन 2-3 लड़के हैं जो हर वक्त फ्लैट में ही पड़े रहते हैं। कभी कभी तो रात को 3 बजे शराब पीकर आते हैं। अब आप ही बताओ साहब, इतनी शरीफ सोसाइटी में ये सब अच्छा लगता है क्या? अभी भी है वो लोग घर में? नहीं साहब, वो लोग तो कल से वापस ही नहीं आए। ठीक है, जरा उनका घर देखो। एक्चुअली डैनी ड्रग्स के दलदल में फंस गया था। डैनी ड्रग्स लेता था? पता नहीं कैसे ये गंदी लत लग गई उसे। कुछ पता है आपको ये ड्रग्स उसे मिलते कहाँ से? नो आइडिया, लेकिन मैंने खुद उसे पकड़ा था कॉलेज के बाथरूम में हेरोइन लेते हुए। सर हेरोइन तो काफी महंगी आती है, और ये डैनी सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, सब कैसे वो कर सकता है? कोई तो जरिया था जहाँ से बहुत सारा पैसा आ रहा था उसके पास। ये आप इतने यकीन से कैसे कह सकते? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसका अंदाज बदला हुआ था। नई नई घड़ियां, सोने की चेन, अंगूठियां, ऐसा पहले नहीं था। ऐसी कौन सी लॉटरी लगी थी डैनी को? आई रियली डोंट नो, लेकिन जैसा कि उसके दोस्त कह रहे थे वो एक कार खरीदने वाला था, वो भी 20 लाख की। 20 लाख की कार? नहीं, एक कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का अपने दम पे 20 लाख की गाड़ी तो नहीं खरीद सकता। सर हो सकता है पैसा उसके घर वालों ने दिया उसे। नहीं लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली इतना सारा पैसा कहाँ से लाएगी? इस डैनी के परिवार वालों से मिलते हैं। लेकिन वो लोग तो पूना में रहते हैं। पूना में रहते हैं? हम लोग इस घर की तलाशी लेने वाले हैं, तुम चुपचाप वहां पे खड़े होके सब देख सकते हो। ठीक है? जी सर। जाओ। इस आशीष ने पूरे घर को बॉम्ब बनाने की फैक्ट्री बना दी है। सर ये बॉम्ब का स्केच मिला है सर, उस रूम में से। ये वही बॉम्ब है जो डैनी के घर में फटा था। वॉचमैन। जी सर। जी सर। लोगों को पहचान सकते हो तुम? हाँ सर। आशीष का स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर, आशीष का स्केच बनवा सकता हूँ। ठीक है विवेक, इन्हें ब्यूरो लेके जाओ, और हाँ इस घर के मालिक को भी फोन कराओ। आप अपने बेटे डैनी को हर महीने कितने पैसे भेजते थे? 10,000 रुपये हर महीने उसके अकाउंट में डाल देता था सर, इससे ज़्यादा दे सकूँ इतना इनकम नहीं है हमारी सर। लेकिन कॉलेज वाले तो कह रहे थे कि डैनी अचानक बहुत पैसे कमाने लगा था, नई शर्ट, नई घड़ी, यहाँ तक कि नई गाड़ी भी खरीदने वाला था। क्या बोल रहे हैं सर आप? जी मैं ठीक कह रहा हूँ। वैसे ये बताइए कि
डैनी पढ़ाई के साथ साथ कोई काम वगैरह भी करता था क्या? 3 महीना पहले उसकी एक नौकरी लगी थी, कोई पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब? अच्छा, ये डैनी काम कहाँ करता था कुछ पता है आप लोगों को? किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करता था वो। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, इस कंपनी का नाम मालूम है आपको? डैनी की मंथली सैलरी क्या थी? 15,000 रुपए। और कोई अलाउंस? ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है, और अगर एम्प्लॉय की पर्सनल कार हो तो पेट्रोल का खर्चा। तो मंथली सैलरी और अलाउंस पे कोई 20 लाख की गाड़ी तो नहीं खरीद सकता ना? 20 लाख की गाड़ी? किसके पास है 20 लाख की गाड़ी? है नहीं, आने वाली थी पर इससे पहले डैनी की मौत हो गई। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सर। प्लीज डोंट माइंड, पर आपका कोई क्लाइंट डैनी को रिश्वत तो नहीं दे रहा था ना? ये आप क्या कह रहे हैं सर, हम तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं, इसमें रिश्वत का क्या काम? तो हो सकता है कि वो आपकी कंपनी के अकाउंट्स में कुछ घोटाला कर रहा हो। बिल्कुल नहीं, हमारे अकाउंट्स एकदम क्लियर हैं। ऑफिस से भी नहीं, घर से भी नहीं, तो इतना सारा पैसा डैनी के पास आ कहां से रहा था? अच्छा, आपने आखिरी बार कब देखा था डैनी को? कल ही देखा था। कल वो ऑफिस में आया था? ऑफिस नहीं, स्टैच्यू सर्कल के पास म्युनिसिपैलिटी का इवेंट था जो हमारी कंपनी ने ऑर्गेनाइज करवाया था, डैनी उसी की तैयारियों में जुटा हुआ था। और ये इवेंट कितने बजे तक था? इवेंट तो रात 8-9 बजे तक चला था, मगर डैनी बीच में ही चला गया था। बीच में चला गया था? क्या डैनी अक्सर इवेंट बीच में छोड़ के जाता है? नहीं, कभी नहीं। मुझे खुद काफी हैरानी हुई कि वो इतना अनप्रोफेशनल कैसे हो सकता है। कोई तो वजह होगी उसके इवेंट से अचानक चले जाने की। अच्छा, उस इवेंट की रिकॉर्डिंग तो होगी ना? जी, आज सुबह ही आइए। हाँ फ्रेडी, क्या पता चला फंक्शन के वीडियो से? कुछ पता नहीं चला सर। सर, उस फ्लैट में जो आशीष रहता था उसका स्केच वॉचमैन ने बनवा दिया है। वो फ्लैट का मालिक कौन है अभिजीत? सर, जबलपुर में रहता है, उसको फोन करवा दिया, शाम तक आता ही होगा। एक मिनट सर। फ्रेडी पॉज करो। क्या हुआ? ये बैग, ये बैग तो सर डैनी के घर में था, इसमें बॉम्ब रखा हुआ था सर। इसका मतलब पहले ये आदमी बैग लेके इस फंक्शन में आया, उसके बाद डैनी के घर पे चला गया। एक मिनट, ये आदमी भी मुझे जाना पहचाना सा लगता है अभिजीत, जाना पहचाना सा है ये। ये जरूर कोई पुराना पापी है, पर कौन है, कौन ये? एस से नाम शुरू होता है इसका, एस से। रेडी, देखो ऐसे कितने लोग हैं अपने रिकॉर्ड में। ये रहा सर, शंभू नाम है इसका। यस, शंभू। शंभू सर, इसमें लिखा है शंभू को शराब पीने की बड़ी बुरी लत है, अक्सर शराब पीने ये क्लब S49 जाता है। घड़ी देखिए, मेड इन इटली, पूरे 10,000। बस 10,000 रुपए? नहीं बे, 10,000 रुपए नहीं, $10,000। ओह, $10,000, काफी मालदार आदमी लगते हैं। हाँ तो इसमें कोई शक है क्या? ये गले की चेन देखी है, पता है कितने तोले की है? फांसी का फंदा कितने तोले का होता है पता है? फांसी? तू मुझे फांसी लगाएगा? तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? शंभू भैया, तू जानता है कि तू किससे बात कर रहा है? तुम लोग मेरा नाम भी जानते हो, कौन हो तुम लोग? गुंडे बदमाश प्यार से हमें CID अंकल कहते हैं। CID
अरे सब्बू भैया कहाँ जा रहे हो, हमसे थोड़ी बात नहीं करोगे? हाँ चल सब चल सब सब मैंने कुछ नहीं किया सब सब कुछ नहीं किया मैंने सब कुछ नहीं किया हैं 20 तारीख को म्युनिसिपैलिटी के फंक्शन में क्या करने गया था तू सब म्युनिसिपैलिटी फंक्शन सब ये सब क्या होता है सब अच्छा सचिन जरा इन्हें बताओ ये फंक्शन क्या होता है इसे देखो इस चेहरे को तो पहचानते हो ना नहीं पहचानते सब वो मैं इस चेहरे को तो पहचानते हो या कुछ याद नहीं आ रहा है नहीं साहब कौन है साहब ये सब कौन है वही जिसका खून किया था तुमने साहब मैं चोंग साहब खूनी नहीं हूँ साहब झूठ बोल रहे हो तुम वहां उस फंक्शन में बॉम्ब लेके गए थे बैग में डैनी ने तुम्हें देख लिया इसलिए मार डाला उसे तुमने नहीं सब बॉम्ब सब ये सब क्या बोल रहे हो साहब आप ए, बहुत हो गई तेरी एक्टिंग सच सच बोल क्या हुआ था सब मैं तो उसके घर चोरी करने गया था साहब ये बैग उसी का तो है डैनी का ये बैग इसका था डैनी का हाँ साहब सच बोल रहा है हाँ साहब मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा साहब मतलब बॉम्ब तूने डैनी के घर पर नहीं रखा था नहीं साहब ये बैग तो मैंने चुराया था उसने मुझसे ये बैग छीन लिया मुझे थप्पड़ ही मारा था अच्छा निकल लेके जाओ इन लोगों सब 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 बट सब प्लीज सब मैं कुछ नहीं किया साहब बॉम्ब वाला बैग डैनी लेके आया था फंक्शन में चल क्या रहा था उसके दिमाग में सर मुझे तो बॉम्ब की स्पेलिंग तक नहीं आती मैं जबलपुर में आराम से सो रहा था अगर मुझे मालूम होता कि आशीष इतना बड़ा लफड़ा करने वाला है तो मैं फ्लैट कभी उसको देता ही नहीं साहब अरे आशीष को फ्लैट देने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था क्या तुमने चेक किया था साहब ये एग्रीमेंट और सोसाइटी का एनओसी लेटर ये आशीष है हाँ साहब यही आशीष है क्या बात कर रहे हो साहब ये आशीष है डैनी आशीष है डैनी कौन डैनी सर ये आशीष है जिसको मैंने फ्लैट दिया था ये आशीष नहीं है डैनी है ये डैनी और इसी का खून हुआ है समझे सर ये डैनी है तो फिर आशीष कौन है सर आशीष कौन है मैं बताता हूँ ये आशीष है सर इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं ये स्केच तुम्हारे बिल्डिंग के वॉचमैन ने बनवाया समझे सर मैंने इसको कभी फ्लैट दिया ही नहीं इसका मतलब एक ही है अभिजीत ये डैनी गुनेगारों से मिला हुआ था यस सर शंभू ने भी यही बताया था वो बॉम्ब वाला बैग उसने डैनी से चुराया था सर स्केच वाले आदमी का पता चल गया अच्छा कौन है सर इसका मैं मान रहे हैं और ये बहुत बड़ा ड्रग पेडलर है अब सब साफ हो गया सर इस डैनी को ड्रग्स की लत लगी हुई थी और आंद्रे ने इस बात का फायदा उठाया और उसे फंसा लिया मगर उसने डैनी को मारा क्यों इसका जवाब तो आंद्रे ही देगा अभिजीत उठाओ इस आंद्रे को किलो का ताला लटका हुआ है सर भाग क्या लगता है ज्यादातर मुजरिम घर के बाहर ताला लटका देते हैं मगर अंदर अंदर काम को अंजाम देते हैं पीछे जाके देखो कोई रास्ता है क्या सर निकल वेरी गुड हम लोग आते हैं पीछे दरवाजा है Ready.
ड्रग्स। आंध्रे को पता चल गया हम लोग आने वाले, भाग गया। भाग के जाएगा कहाँ? उसकी फोटो चेक नाके में भेजो, नाकाबंदी करवाओ, पूरा घर खोद डालो। सर, आने के ये देखिए सर। माय गॉड, इतने सारे हथियार, ये ड्रग डीलर है कि आतंकवादी? सर मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है तो निखिल, इस आंध्रे की जन्म कुंडली निकालो, कब से काम कर रहा है, किसके साथ काम कर रहा है, इसके जितने भी साथी ड्रग पेडलर्स हैं सबको उठाओ। पूर्वी, आंध्रे के फोन रिकॉर्ड चेक किए? हाँ सर। क्या पता चला? सर एक नंबर है जिससे बार बार फोन आया, किसका नंबर है वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गुड, चलो चलिए, चलो चुपचाप खड़े हो जाओ, चलो। सर ये सब ड्रग्स सप्लाई करने वाले लोग हैं सर, और ये है भीपू जो डैनी के कॉलेज में आंध्रे के साथ ड्रग्स का धंधा करता है। मुझे जाने दो साहब। आंध्रे कहाँ है? पता नहीं साहब। मैंने पूछा आंध्रे कहाँ है? सच बोल रहा हूँ साहब, आंध्रे गायब हो गया और उसका फोन भी नहीं लग रहा साहब। आतंकवादियों के साथ मिले हुए हो? मैं तो सिर्फ ड्रग्स बेचता हूँ साहब। कौन से आतंकवादी ग्रुप के साथ मिले हो, जल्दी बताओ। सर मुझे फंसाओ मत साहब। देख भीको, दिमाग घुमा हुआ है हम लोगों का, देश के साथ गद्दारी सहेंगे नहीं हम लोग। मैं देश का दुश्मन थोड़ी हूँ साहब। अच्छा, मासूम बच्चों को ड्रग्स बेचता है, देश के भविष्य को अंधेरे में ढकेल रहे हो, देशभक्ति है ये? दोबारा ड्रग्स नहीं बेचूंगा साहब। पूर्वी सर, इसको नंबर दिखाओ। किसका नंबर है ये? 10102345। सर ये तो परचाती का नंबर है सर। परचाती? हाँ सर। परचाती कौन है ये परचाती? सर ये हमारा सप्लायर है सर, यही हमें माल देता है, बाहर के देशों से माल लेके आता है सर। देखा है तुमने उसे? हाँ सर। हाँ तो उसका स्केच बनवाओ। सर साहब मेरे पास उसका फोटो है साहब। कहाँ है, दिखाओ। अब फोटो सब सब ये रहा। तो ये परचाती है। हाँ सर। हेलो जी, कहाँ पे? आर यू श्योर? थैंक्स सर, मोबाइल कंपनी वालों ने नंबर ट्रेस कर लिया है। कहाँ पर है ये? सर राजा कॉलोनी। राजा कॉलोनी? तो ये परचाती राजा कॉलोनी में है। का मोबाइल 100 मीटर की दूरी पे है, किसी राजा कॉलोनी में है कहीं आसपास। ये मोबाइल तो एक ही जगह पे चिपका हुआ है, हिल डुल नहीं रहा है। मतलब यही कहीं किसी बंगले में छुपाई ये परचाती है, जहाँ पे आतंकवादियों ने अपना अड्डा बना रखा है। सर अभिवेक, कुछ पता चला कहाँ बन रही है मिठाई? हाँ सर, 17 नंबर के बंगलों में जलेबी, खीर, हलवा सब कुछ बनाया जा रहा है, सब कुछ। अरे विवेक, तुझे परचाती का पता ढूंढने भेजा था, तू मिठाई की दुकान ढूंढ के लाया। रेडी, तुम्हें बार बार जोर जोर से परचाती परचाती क्या चिल्ला रहे हो? सॉरी। 17 नंबर बंगलो ना? यस सर। ओरा बंगलो नंबर 17 है। काफी सिक्योरिटी है बंगले के बाहर। ये परचाती काफी पास में है, यही टारगेट है बस, बंगलो नंबर 17। अटैक कर दे क्या? नहीं नहीं, ये लोग मक्खी नहीं आतंकवादी हैं। पता नहीं कितने लोग हैं अंदर, अटैक करने से पहले प्लानिंग कर लेना अच्छा है। दे चलो पान खाते हैं।
पान? अरे सुनो भाई, जरा एक बनारसी पान लगा। जी साहब। और सुनो, उसमें कत्था मत लगा और चूना भी मत लगाना। जी साहब। अच्छा सुनो, सुपारी भी मत डालना। क्या साहब, आप पान खा रहे हैं या कोई कागज का टुकड़ा? अगर इस पेपर के टुकड़े का तुम्हें 500 रुपए मिले तो चलेगा? 500 रुपए? लेकिन किस लिए साहब? ये जो 17 नंबर बंगलो है, किसका है ये? इसका मालिक तो कभी नहीं दिखा। फिर भी ये जो सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, ये यहाँ पान खाने तो आते ही होंगे ना? यही लोग बोले हैं कि कोई कपड़ों का व्यापारी है, उसी का है। कपड़ों का व्यापारी? हाँ, कोई राज नाम का है। काफी लोग आते जाते होंगे अंदर? बस एक कार है जो अंदर बाहर आती जाती है, और उसमें काले शीशे लगे हैं तो अंदर का कुछ दिखाई भी नहीं देता है। पेपर वाला, दूध वाला कोई नहीं आता? कूड़ा कचरा बीनने वाले तक को अंदर नहीं जाने देते हैं साहब, तो दूध वाला तो बहुत कोई नहीं जाता था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये किसी से कुछ बोलना मत। हाँ? नहीं बोलूंगा साहब। ये लीजिए पान साहब, सिर्फ पत्ता है, सुपारी तक नहीं है। अगर ये लोग किसी बाहर वाले को एंट्री देते ही नहीं है तो हम लोग अंदर घुसे कैसे? न अखबार लेता है, न दूध, कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जो बाहर से आती है। नया है क्या? पहले तो तुझे कभी देखा नहीं। कैसे देखोगे साहब, इस इलाके में लाइट तो जारी नहीं है, इसलिए। तो फिर आज कैसे चले गई? ऐसा है कि बिजली जो है ना, बीवी की तरह होती है, जरा सा मूड खराब हुआ नहीं कि मायके चली जाती है। सुन, अभी ज्यादा टाइम पास मत कर, जो भी गड़बड़ जल्दी से देख। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं। बाहर से कैसे देखेंगे, अंदर जाना पड़ेगा ना। तेरे पास मोबाइल है क्या? मोबाइल? कैसी बातें कर रहे हैं साहब, गरीब आदमी के पास कहाँ से मोबाइल होगा। ए, चेक कर। कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहा है? और लेकिन गुदगुदी हो रही है। अरे कुछ नहीं है इसके पास। गेट खोल। पहला आदमी देखा है जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है। ए, चल। चलिए चलिए। क्या है, हमारे दादाजी कहते हैं कि मोबाइल जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हम रखते नहीं है। आप भी मत रखा। वैसे दुर्जनगढ़ में रहते हैं हमारे दादाजी, आप कभी आइए वहाँ पे, अपने खेत के गन्ने खिलाएंगे आपको। बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो बस। अरे यार, बचपन से ही अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं हम तो। क्या बोला? नहीं कुछ नहीं, बचपन से हमें इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा शौक था। आप हमको बस बता दीजिए कि ये आपका बोर्ड कहाँ है, हम अभी अभी बना देते हैं पूरा। चलो दिखाता हूँ। बंगले के बाहर दो हैं, बंगले के छत पे चार हैं और बंगले के पीछे दो लोग हैं। पर छाती और एंड्रे वो दिखे? नहीं, अभी तो दिख नहीं रहे, शायद अंदर होंगे। कितना बोलते हैं, हमारी आदत ही ऐसी। आप स्विच बोर्ड बताइए कहाँ है। ले भाई, ये रहा बिजली का मीटर, चलो अब लग जाओ जल्दी काम पे। ये ले। लग गया। समझ में नहीं आ रहा। पहली बार कर रहे हो क्या? अरे क्या बात कर रहे हो, पहली बार कर रहे हैं? ऐसे न जाने कितने इलेक्ट्रिक बोर्ड खोल चुके हैं हम लोग, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। ये देखिए। अरे क्या हुआ भैया, क्या हुआ? बड़ी जोर का झटका लगा यार, यहाँ तो बिजली आ रही है। क्या बात कर रहे? हाँ? यहाँ है तो मतलब अंदर कुछ गड़बड़ है। अंदर भी कोई फ्यूज है क्या? हम देख लेते हैं वहाँ पे। अरे भाई रुक, अंदर जाना किसी का भी अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है तो फिर सड़ो यहाँ पे, गर्मी में मरो। हम जा रहे हैं, अंदर जाते हैं तो 2 मिनट में ठीक कर देते। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे ना? हाँ 2 मिनट। ठीक है चलो चलो। जा, मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ तैयार रहना। ओके ये रहा, मगर जल्दी करना। हाँ अभी आ जाएगी। अभी आ जाएगी।
कहते हैं लाइट ऑन करना यार। ओके गुड। आ गई ना? अरे शाबाश, चल अभी चल चल। अरे नहीं नहीं सुनो सुनो, ये लाइट गई क्यों थी? वायरिंग गड़बड़ है, वो सब चेक करना पड़ेगा ना। कोई जरूरत नहीं है, चल अभी। अरे मुझे यहाँ पे तो दो दो मोबाइल के सिग्नल मिल रहे हैं। क्या दो दो मोबाइल के? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कौन है? ये बिजली वाला है। इसके पास तो दूसरा मोबाइल नहीं है? अबे इसकी तो हमने खुद तलाश ली है भाई। हाँ। चल बॉस के पास। अरे अरे चल कहाँ ले जा रहे हो भाई? चल अरे बॉस के पास। अरे सुनो तो। चल अरे कहाँ जा रहे हो बॉस? ये बिजली वाले के पास दूसरा मोबाइल है। अरे नहीं नहीं साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो छोटा मोटा इलेक्ट्रिशियन। ये इलेक्ट्रिशियन नहीं, सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत है। मार दो इसे। सीआईडी का कुत्ता हुआ तो क्या हुआ, और इसकी मेहमान नवाजी तो करनी ही पड़ेगी। मेहमान नवाजी तो तेरी सीआईडी करेगी। सबके सब जाओगे ससुराल, सबके सब। इसके साथी कुत्ते से सुनते सुनते आ गए। जाओ बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है। जाओ। आतंकवाद के धमाकों से। तुम्हारे जैसे कितने आतंकवादी आए और चले गए, धराशायी हो गए सीआईडी के सामने। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने हमारे देश की तरफ गलत इरादे से देखा। देश को हिलाने के लिए बम की जरूरत थी, कहां से लाते पैसे? इसलिए ड्रग्स का धंधा शुरू किया। और अपने काम को अंजाम देने के लिए तुमने डैनी को फंसाया, उसे ड्रग्स की लत लगवा दी। मगर जैसे ही डैनी को पता चला कि तुम आतंकवादी हो, तो उसने तुम्हें मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि तुम लोग आतंकवादी हो, और तुमने उसे भी मार दिया। बेवकूफ था वो, भाग गया था वहां से। बेवकूफ डैनी नहीं, बेवकूफ तुम हो। तुम
जो हमारे देश के खिलाफ कुछ करने की सोचते भी हो, अब सड़ते बैठना जेल में, फांसी तो तुम्हें होकर ही रहेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.